दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी इंस्टॉल्ड है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, बायोस वर्जन कौन सा चल रहा है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन हम एक स्टेप में कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं और कंप्यूटर ओपन करने के बाद हम सीधा प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्लैश हो जाती है। बस दोस्तों, यहाँ पर आपको बायोस वर्जन देखने को नहीं मिलता है और ना ही आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक ही स्टेप में वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा विंडो R, जिससे कि आपका रन खुल जाएगा और आपको टाइप करना है DXDIAG। और जैसे ही आप ये टाइप कर देंगे, आपको करना है एंटर, और एंटर करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा और इस पॉपअप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर की मेरा लैपटॉप डेल का है, इंस्ट्रोन 5559, मेरे को बायोस वर्जन यहाँ देखने को मिल रहा है, मेरे को प्रोसेसर भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि मेरे 2.3 GHz पे वो क्लॉक करता है, 4 CPUs वाला मेरा प्रोसेसर है, रैम मेरे को यहाँ पे 12 GB देखने को मिल रही है और मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट वर्जन भी पता लग रहा है कि मेरे विंडोज़ में कौन सा है। जब मैं जाऊँ तो मेरे को डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड कौन सा है। यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ग्राफिक कार्ड शो हो रहा है इंटेल HD 520। टैब में आपको साउंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर कौन से इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे सब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट टैब है दोस्तों हमारा इनपुट का, जो आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर के साथ कोई माउस या कीबोर्ड अटैच तो नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको एक स्टेप के अंदर आपको बस रन पे ये वर्ड टाइप करना है और आपको अपने कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी फ्रेंड के घर भी जाते हैं और उसके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो बस ये DXDIAG टाइप करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।